हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मैप, और डिस्ट्रीब्यूशन मैप में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक विधि में हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयतनी या स्टैंडिगियर विधि। ये जो विधि होती है, यह है जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था स्टाइनजेनबोर मेथड जो रहता है उसकी तरह होती है, लेकिन इसमें और स्टाइनजेनबोर जो मेथड रहता है इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम लोग स्टैंडिगियर विधि को पढ़ते हैं तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के आधार पर, जबकि नगरीय जो जनसंख्या होती है उसे गोले के आधार पर पढ़ते हैं। जबकि स्टेन जो जेनबोर मेथड्स रहता है उस मेथड में मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण जनसंख्या बिंदु के माध्यम से और नगरी जनसंख्या को वृत्त के माध्यम से बनाते हैं। ये जो विधि होती है इसमें जब नगरी जनसंख्या को हम गोलों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वृत्त की तुलना में जो गोले होते हैं वो कम स्पेस या कम जगह नक्शे पर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग स्टैंडिगियर मेथड्स को मोस्टली पढ़ते हैं। इसको इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन में यदि एक बिंदु 2500 ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, अगर इस बिंदु का अर्धव्यास 0.5 मिलीमीटर है तो 10 लाख जनसंख्या वाले नगर का गोले का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि यदि किसी ग्रामीण जनसंख्या 2500 है और उसके लिए हम लोग 0.5 मिलीमीटर का अगर एक बिंदु प्रदर्शित करते हैं, तो अगर किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख दी गई है तो उसके लिए जो गोला बनेगा उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर उसको सॉल्व करने का सीधा सा फॉर्मूला यही होता है, जैसे कि हम लोगों ने तो यहाँ पर रेडिएशन बराबर तो जो नगर की संख्या होती है पहले हम यहाँ ऊपर रखेंगे 10 लाख, तो यहाँ पे बट्टे ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पे दी गई है 2500 और यहाँ पे ग्रामीण के लिए 0.5 मिलीमीटर यहाँ पे दिया गया है, और वो कह रहा है गोला, तो गोला निकालने के लिए यहाँ पे क्यूब का निशान लगा लेते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो R बराबर, जब ये संख्या को जब आप बाहर निकालेंगे रूट से तो यहाँ पे आएगा 100 और बट्टे, जब ये जो जनसंख्या दी गई है 2500, इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा 13.57 इंटू 0.5। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे निकालेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.7 मिलीमीटर। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 3.7 मिलीमीटर। अब हम करते क्या हैं कि जब हमें कोई गोला बनाना होता है तो उसके लिए हम 3.7 मिलीमीटर ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि 3.7 मिलीमीटर का एक गोला खींचना पड़ेगा, और इस गोले को यहाँ पे जैसे आपने स्फेरिकल शेप में आपको इस प्रकार से ये यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ऐसे इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। तो इस ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जिस स्थान पर जैसे ये कोई नक्शा दिया गया है मान के चलें, तो यहाँ पर जैसे कोई नगर है तो ये वाला यहाँ पे, या कोई दूसरा जैसे यहाँ पे कोई नगर है तो उसके लिए इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम दूसरा
गोला बना देते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे भी अगर कोई है तो यहाँ पे भी हम लोग इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। और यदि बीच में कोई डॉट दी गई हैं ग्रामीण जनसंख्या के लिए, तो वन डॉट के आधार, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वो कह रहा है कि एक डॉट 2500 को शो करती है, तो जितनी पॉपुलेशन होती है उसे डॉट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से उसको यहाँ पे लिख देते हैं। और जैसे जो कोई यहाँ पे जो सिटी है उस सिटी का हम यहाँ नाम लिख देते हैं, तो इस प्रकार से ये बन जाता है। तो जैसे मान के चले यहाँ पे हम जैसे इसको लिख दिया, जैसे आगरा है, ये आगरा लिख दिया। अब जैसे ये फिरोज़ाबाद, ये मथुरा, तो जो भी मेथड्स रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। और ये बन करके तैयार हो जाता है स्टैंडी गियर विधि। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक नया प्रैक्टिकल का कोई वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।